हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5 सेक्शन एफ। ठीक है, और इस क्वेश्चन भी ई क्वेश्चन में भी बहुत सिंपल है, इतना हार्ड नहीं है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अ सैंपल ऑफ 50 स्क्रू वॉज टेकन फ्रॉम द लॉट्स ऑफ स्क्रूज प्रोड्यूस एट अ फैक्ट्री टू मेजर द डायमीटर इन एमएम यानी कि मिलीमीटर ऑफ हेड ऑफ ईच स्क्रू एंड इट्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज फाइंड बॉलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड इंटरप्रेट इट। बहुत सिंपल है, 50 स्क्रू लिए है एज ए सैंपल और उसके डायमीटर्स देके रखे हैं और हमें इसकी स्क्यूनेस फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू बॉलीज मेथड। तो चलिए देख लेते हैं, मिलीमीटर में दिया हुआ है डायमीटर 4 से लेके 4.8 तक की रेंज दे के रखी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमें क्लास दे के रखे हैं, उसके अगेंस्ट के फ्रीक्वेंसी यानी कि 4 से लेके 4.1 के बीच में 6 स्क्रू है, देन लाइक दैट 7, 10, 10 ऐसे सैंपल्स दिया हुआ है और बोला है कि बॉलीज मेथड यूज़ करना है। तो बॉलीज मेथड में हम देख सकते हैं कि क्वार्टाइल एंड मीडियन यूज़ हुआ है, तो हमें क्वार्टाइल एंड मीडियन फाइंड करने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे मीन की वैल्यू फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे मीन देन क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड करेंगे। चलिए पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 6 + 17 = 13, 13 + 10 = 23, 23 + 10 = 33, 33 + 8 = 41, 41 + 5 = 46, then 48 and 50। तो ये आपकी हो गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम फाइंड करेंगे मीडियन सबसे पहले, तो फॉर दैट वी हैव टू फाइंड मीडियन क्लास। तो क्या होगा इसका वैल्यू ऑफ n बाई 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, n बाई 2 कितना होगा, दैट इज 50 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन। ओके, सो अल्टीमेटली हमें 25th ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करना पड़ेगा। सो यहाँ पे वी हैव टू सी के 25 जो है वो कौन सी दो वैल्यू के बीच में फॉल हो रहा है, दैट इज 23 एंड 33 एंड वी आर कंसिडरिंग द हाइएस्ट वन। सो टू फाइंड मीडियन, आवर मीडियन क्लास विल बी 4.3 to 4.4। ओके, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। अब वैल्यूज पुट करेंगे, लोअर लिमिट कितनी है मीडियन क्लास की, 4.3 प्लस एन बाई 2 इज इक्वल टू 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें प्रीवियस वन लेनी है दैट इज 23 अपॉन एन कितना है, यहाँ पे एन नहीं होगा फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी हमें लेनी है मीडियन क्लास की दैट इज 10 और यहाँ पे क्लास लेंथ कितना होगा 4.4 माइनस 4.3 दैट इज 0.1। सॉल्व करते हैं, 4.3 प्लस 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 1, अल्टीमेट आंसर फॉर मीडियन इज 4.32। अब फाइंड करते हैं क्वार्टाइल, फॉर दैट अगेन वी हैव टू फाइंड क्वार्टाइल क्लास। वी नो दैट द क्वार्टाइल इज डिवाइड द डेटा इनटू 4 पार्ट्स, सो जस्ट फॉर दैट
we are dividing total number of samples divided by 4. Okay, so value kya hogi yahan pe? 50/4. That is 12.5. हमें वही देखना है 12.5 अभी कहाँ पे फॉल हो रहा है. ओके सो 12.5 इज फॉलिंग बिटवीन 6 एंड 13 एंड वी आर कंसिडरिंग हायर फ्रिक्वेंसी. सो फॉर आवर देयरफॉर Q1 क्लास इज इक्वल टू 4.1 to 4.2. चलिए फॉर्मूला में पुट करते हैं. 4.1 प्रीवियस वन फ्रीक्वेंसी 6, करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास दैट इज 7 एंड क्लास लेंथ. सिक्स पॉइंट फाइव इंटू पॉइंट वन अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 4.19 इज अ Q1. नाउ Q3 क्लास इज इक्वल टू value of 3n upon 4 observation. Okay, तो 3 multiply करेंगे. हमने already n by 4 को find किया था 12.5. So value of 37.5 ऑब्जर्वेशन. बस वही देखना है सेम पैटर्न कि अभी 37.5 कहाँ पे फॉल हो रहा है. ओके सो विच इज फॉलिंग बिटवीन 33 and 44 एंड वी आर कंसिडरिंग द हायर फ्रिक्वेंसी. सो Q3 क्लास इज इक्वल टू 4.4 to 4.5. Put the values in the formula. Previous one frequency 33. Frequency of quarter class that is 8. Class length 0.1. Quartile 3 is 4.46. Now just put the values in the formula given by Bolle's method. Q3 is 4.46 plus Q1 4.19 minus 2. M is 4.32 upon 4.46 minus 4.19. अब इसको सॉल्व करेंगे. Ultimate answer will be 0.037. ये है आपका coefficient of skewness by Bolle's method.
टाइप पूछा नहीं है, इसे लिख नहीं रहे, पॉजिटिवली स्क्यूड है क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू दी हुई है जीरो से ज़्यादा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 बाय बॉलिस मेथड। थैंक यू।